नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस पितृ पक्ष के दौरान यह कुत्ता, गाय और कौवा आपको करोड़ों के मालिक बना देगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृ पक्ष के दौरान आपके यह तीन संकेत आप सभी के जुनकाल में आपके घर को बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा बना देगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों ने शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो ज्ञान हम आपको बताने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन के लिए है जो बताने वाले हैं, दोस्तों अगर आप उन्हें सुन लिए, अगर आप उन्हें समझ लिए, तो दोस्तों आपको हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि दोस्तों आपका जीवन काल पूरी तरह बदल जाएगा। जी दोस्तों, बहुत ही गंभीर जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही विस्तार से, बारीकी से समझिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पितृ दोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व फिर दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ दोष के कारण सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती और कई बार तो मृत्यु तुल कष्ट भी होता है। और दोस्तों इन सभी से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति के जीवनकाल में बहुत सारे संकेत मिलते हैं। जी दोस्तों, और जो यह संकेतों को समझ लेता है, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखता है, तो दोस्तों उनके जीवनकाल से ये सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और जीवन बिल्कुल ही धन्य हो जाता है। मानो घर स्वर्ग के समान हो गई हो, किसी चीज की घर में कमी नहीं रहती, धन दौलत, पेशों की या फिर प्यार की, दोस्तों हर चीज की सुविधा व्यक्ति को मिलता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको तीन बड़े संकेत के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों इस पितृ पक्ष के दौरान आपको मिलने ही वाले हैं। दोस्तों बस आपको इन्हें समझना होगा। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह संकेत सभी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पितृ पक्ष के दौरान जो भी उनके पूर्वज होते हैं वह इस लोक पर आते हैं। दोस्तों अभी भी इस दौरान यह पूर्वज आपके पास ही होंगे, लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, उन्हें सिर्फ प्रसन्न करना है, कुछ उपाय को करना है, तभी जाकर दोस्तों आपको कुछ संकेत मिलेंगे। और दोस्तों कौन से संकेत मिलेंगे उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, दोस्तों आपको बता दें कि पितृ दोष से मुक्ति के यह शर्त हैं कि आप अपने कुल के धर्म परंपराओं को निभाएंगे, साथ ही घर की महिलाओं का, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करेंगे और कर्म को शुद्ध रखेंगे। तो दोस्तों यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे और यह संकेत आपको जरूर ही मिलेंगे। जी दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है कि परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें किसी मंदिर में दान करें। और दोस्तों यह उपाय को आप पितृपक्ष के बाद भी करते रहिएगा, कम से कम 5 गुरुवार तक आपको करना है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप अपनी जेब में 10 का सिक्का ले रहे हैं तो घर के अन्य सभी सदस्यों से भी आपको 10 के ही सिक्के एकत्रित करने हैं। जी दोस्तों, उसे मंदिर में दान करना है। यदि आपके दादाजी हैं तो उनके साथ जाकर ही दान करें। दूसरा उपाय है, प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाएं, कपूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुड़ के साथ भी मिलाकर जलाएं। दोस्तों तीसरा जो चीज है, कौवे, चिड़िया, कुत्ते या फिर गाय को रोटी खिलाते रहना। दोस्तों आपको बता दें कि उत्त चारों में से जो भी समय पर मिल जाए उसे ही आप रोटी खिला सकते हैं। दोस्तों ये सारे पितृदोष के एक ही समान होते हैं। दोस्तों चौथा जो उपाय है, पीपल या फिर बरगद के वृक्ष में जल चलाते रहना चाहिए। दोस्तों केसर का तिलक लगाते रहें, विष्णु भगवान के मंत्र जाप। दोस्तों आखिरी जो उपाय है, दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। यदि दक्षिण मुखी नैरिंति कोण या फिर आग्नेय कोण में मकान है तो मकान के समान दरवाजे से दुगुनी दूरी पर नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा कीजिएगा।
तो दोस्तों आपको ये संकेत जरूर मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको इन उपायों को करना है, फिर दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको वह कौन से संकेत मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज, हमारे पितृपक्ष के जो देवता है वो बहुत सारे संकेत देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि गलती हर एक इंसान से होती है जी दोस्तों, और इन्हीं गलती को पश्चाताप करने के लिए हमें उपायों को करना पड़ता है जी दोस्तों। जब हम इन उपायों को करते हैं तो दोस्तों हमारे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और दोस्तों फिर हमें संकेत देते हैं जी दोस्तों। तो कुछ ऐसे ही संकेत यश में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपके इस पितृपक्ष के दौरान कौन से वह संकेत हैं जो आपको मिल सकते हैं? दोस्तों सबसे पहला जो संकेत है जो कि आपके घर में आ सकता है, आपके आंगन में भी आ सकता है जी दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको बता दें कि चिड़िया, कौवा, कुत्ता या फिर गाय। दोस्तों अगर चारों में से कोई भी चीज़ आपके आंगन में आ जाए तो दोस्तों आपको समझना है कि यह आपके पूर्वज है जी दोस्तों। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में कि जब भी पितृदोष होते हैं, जब भी लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं और दोस्तों वह उपाय करते हैं, वह बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, तो दोस्तों उनके कष्टों को हरने के लिए उनके पितरों के देवता, उनके पितृदेव को उनके घर भेजते हैं दोस्तों। वो किसी ना किसी रूप में भेजते हैं, जो गाय, कुत्ता, कौवा या फिर कोई भी अन्य चिड़िया हो सकती है जी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके घर में इस पितृपक्ष के दौरान ये चारों में से कोई भी एक चीज आते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि उन्हें ऐसे ही घर से नहीं जाने देना है जी दोस्तों। दोस्तों उन्हें आपको जरूरी खिलाना है या फिर दोस्तों जो ऐसी चीज जो कि अशुद्ध ना हो उन्हें भी आप उन्हें खिला सकते हैं। तो दोस्तों इनसे आपके पितृपक्ष में तो दोस्तों इनसे आपके पितृदोष तो समाप्त होंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये आपके शारीरिक कष्टों को भी अपने साथ लेके जाएंगे। दोस्तों अगला जो संकेत है आपके स्वप्न में, अगर आपके पूर्वज आते हैं जो कि अभी आपके साथ नहीं है, अगर वह संकेत आते हैं और आपसे कुछ बातें करते हैं तो दोस्तों इनसे भी आपको समझना है कि आपका जो कष्ट है वह खत्म होने वाले हैं जी दोस्तों। और इनके लिए आपको सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध होकर आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो भी 21 बार। दोस्तों वह मंत्र है ओम कुल देव्य नमः। दोस्तों इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो। शायद दोस्तों अगला जो संकेत है वह संकेत है दोस्तों आपके जीवन काल में होने वाली घटनाएं जी दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी कार्य में कराने घर में हैं, बाहर में हैं, कहीं भी आते जाते समय अगर आपके साथ अचानक से ऐसी घटना होता है जिनसे आपके पूर्वजों का आपको याद आ जाए तो दोस्तों इनसे भी आपको समझना है कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल चुका है और दोस्तों इनके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों इनके लिए जब भी आपको ये संकेत मिल जाए दोस्तों यूं ही आप खाली ना बैठे। दोस्तों जो भी आपके पास कुछ पैसे हो या फिर कुछ ऐसे चीज जो आपके दान करने के लायक हैं दोस्तों, उन चीज़ों को आप किसी गरीब और असहाय लोगों को, असहाय मनुष्य को दान कर दें दोस्तों, इनसे आपके जीवनकाल के सारे पाप खत्म हो जाएंगे और जीवनकाल में आपको पुण्य की प्राप्ति होगी जी दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों अगला जो संकेत है दोस्तों वह संकेत बहुत ही अचंभिक है। दोस्तों आपको बता दें कि यह संकेत आपके जीवनकाल में होने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर इस पितृदोष के दौरान आपके जीवनकाल में किसी के ऊपर आपके पूर्वजों का साया भी आ सकता है जी दोस्तों। अगर घर के किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि वह पूर्वज बन गए हैं, उन्हीं की तरह बातें करते हैं, उनकी तरह बोल रहे हैं तो दोस्तों ये भी बहुत ही भयंकर संकेत माना जाता है। दोस्तों जिनके भी जीवनकाल में ऐसा हो जाए दोस्तों उनकी किस्मत तो चमकती है, शायद दोस्तों उनके जीवनकाल में कोई भी दुश्मन हाथ नहीं लगा पाता। और दोस्तों जब वह आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर आते हैं तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, बशर्ते आपको उनका सम्मान करना है, आपको उनको अपने घर के अन्न जल ग्रहण कराने हैं और दोस्तों खुद ब खुद वह साया आपके परिवार वालों से ऊपर से चले जाएंगे। दोस्तों यकीन कीजिए ये अगर कोई भी एक भी संकेत मिल जाए तो दोस्तों आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह जानकारी आपको पसंद आया है, पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शायद दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।